कुछ दिन पहले हमने टेक्नो कैमन 12 एयर अनबॉक्स किया और अपना फर्स्ट इंप्रेशन भी दिया। इस फ़ोन का फुल रिव्यू किसी वजह से पेंडिंग रह गया है, उसके लिए माजरत। चूंकि ये एक सस्ता फ़ोन है तो सोचा आजकल इतने सस्ते फ़ोन काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आ रहे हैं, लेकिन क्या ये रिलायबल और ड्यूरेबल भी है? तो क्यों ना आज इस फ़ोन के साथ थोड़ी हाथापाई कर ली जाए। नहीं, खैर आप नहीं भी कहेंगे तो मैं तो प्लान कर चुका हूँ, बल्कि हाथापाई तो मैं ऑलरेडी इस फ़ोन के साथ कर चुका हूँ। तो इस चैनल पर पहली बार किसी डिवाइस को टॉर्चर होते हुए देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये फ़ोन रहे या ना रहे, आपके लाइक्स ज़रूर रहने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक्नो ने ऑफिशियली कहीं पर नहीं लिखा कि यह फ़ोन किसी किस्म की स्क्रैच रेजिस्टेंस के साथ आता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसकी स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ दी गई है, जो कि ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं है। गोरिल्ला ग्लास है या ड्रैगन ट्रेल ग्लास या फिर कोई और सस्ती ग्लास टेक्नोलॉजी, ये नहीं बता सकता मैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक टेस्ट के साथ मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इसकी स्क्रीन अच्छी स्क्रैच रेजिस्टेंस रखती है। पहली बार जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर को देखकर मेरे जहन में आती थी वो ये थी कि इसके नीचे स्क्रीन कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं होने वाली, लेकिन इस फ़ोन के साथ मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि मैं गलत था। अब ये एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर है जो किसी आम ग्लास पर स्क्रैच इजीली कर सकता है, लेकिन इस फ़ोन की फ्रंट स्क्रीन इसे रेजिस्ट कर रही है। बैक पर कैमरा मॉड्यूल पर जो ग्लास है वो भी कुछ हद तक स्क्रैच रेजिस्टेंट है, काफ़ी फोर्स के साथ भी स्क्रू ड्राइवर को रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन LED फ्लैश एक सिंपल प्लास्टिक से कवर्ड है और बहुत इजीली स्क्रैच भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि आप देख सकते हैं, लेकिन ये स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं है। वैसे इस फ्लैश पर थोड़े स्क्रैच आ भी जाएं तो ज़्यादा मसला नहीं करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसकी बैक साइड भी ऑफकोर्स प्लास्टिक ही है और प्लास्टिक शॉक तो रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन स्क्रैच नहीं। लेबल लेज़र प्रिंटेड है लेकिन इजली स्क्रैचेबल भी है। लेदर ही पर गौर से देखें तो पता चल जाएगा आपको। बैक पैनल पर स्क्रैच करते वक्त तो फील होता है, लेकिन इस स्क्रू ड्राइवर ने कोई ख़ास निशान नहीं छोड़ा। थोड़ा ज़्यादा फोर्स से ट्राई करने पर स्क्रैच तो आ गया, लेकिन पेन डैमेज नहीं हुआ, ये एक अच्छा साइन है। फिंगरप्रिंट सेंसर ना तो ग्लास से कवर्ड है और ना ही प्लास्टिक से, ये पेंटेड एल्युमिनियम से कवर्ड होता है और इजीली स्क्रैचेबल भी है। वैसे कॉइन मुझे पहले ट्राई करना चाहिए था, लेकिन जल्दी से इसे भी चेक कर लिया जिसने खास कोई असर नहीं किया। कभी आपको ऐसी कोई चीज़ गिफ्ट में मिली? नहीं, मुझे भी नहीं मिली। मैंने ये नाइफ अपने पैसों का ख़रीदा है और इस स्क्रैच टेस्ट के लिए यही सबसे शार्प चीज़ थी मेरे पास, और इस फ़ोन की स्क्रीन ने इसे भी अच्छे तरीके से रेजिस्ट किया। बैक साइड पर प्लास्टिक की बॉडी से हर किसी सर्वाइव नहीं कर सकती, यही सोचा था मैंने, लेकिन की स्क्रैच की हद तक तो की, लेकिन एक प्लास्टिक किसी शार्प चाकू से कट करते वक्त रेजिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन नॉर्मल यूज करते वक्त कोई इसे क्यों काटेगा? फिंगरप्रिंट सेंसर तो इसके सामने बटर लग रहा था, खुद ही देख लें। नॉर्मल डे लाइफ में स्क्रैच रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, वो भी 20,000 रुपये में? ना करो यार। लेकिन ड्रॉप सिचुएशन किस हद तक रेजिस्ट कर सकता है ये फ़ोन, वो भी देख लें। बहुत ज़्यादा कॉमन वे क्या है किसी फ़ोन के गिरने का, यही कोई 5 से 7 फीट हाइट से नीचे गिरना। इम्पैक्ट पॉइंट के अलावा कहीं कोई निशान नहीं मिला सिवाय मट्टी के। फ्रंट साइड डाउन ट्राई करते वक्त लगा कि सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन ये इम्प्रेस करता ही जा रहा था। फिर से सिर्फ इम्पैक्ट पॉइंट डैमेज हुआ और फ्रेम चारों तरफ से स्क्रैच हुआ, लेकिन स्क्रीन बच गई।
और ये सरफेस आप देख रहे हैं छोटे पत्थरों के साथ खासा डैमेज कर सकता है। बैक साइड इम्पैक्ट पे जब इस फ़ोन ने रेजिस्ट किया तो मेरी रेजिस्टेंस ख़त्म होने लगी। सीरियसली ये इम्पैक्ट क्रिटिकल था। कैमरा मॉड्यूल कम्प्लीटली शायर होने के अच्छे खासे चांसेस भी थे, लेकिन नहीं। सिवाय बैक पैनल पर कुछ स्क्रैचेस के इस फ़ोन ने ये ड्रॉप टेस्ट भी पास कर लिया। रूफटॉप से वापसी पर ख्याल आया कि स्टेयर केस एक अच्छी जगह है रियल लाइफ फ़ोन ड्रॉप होने के लिए, तो गुस्सा तो तब भी आया जब 5 स्टेप्स भी सर्वाइव कर गया ये फ़ोन। ये वही कुछ पुराने स्क्रैचेस और कुछ न्यू स्क्रैचेस, दैट्स इट। ये सब टॉर्चर शायद कम था कि फंक्शन वाइज ये फ़ोन अभी भी ठीक से चलता रहा। 1 मेगा ड्रॉप टेस्ट से पहले सोचा कि वाटर टेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि एक टूटे हुए फ़ोन के साथ वाटर टेस्ट करना फेयर नहीं होगा। लेकिन इस फ़ोन ने 1 मिनट तक लो लेवल वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट भी पास कर लिया। सिवाय ऑडियो जैक मेल फंक्शन के ये फ़ोन बिना किसी मसले के 2 दिन तक चलता रहा। इसे लग रहा है कि शायद एयरफोन्स कनेक्टेड हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑडियो जैक बिल्कुल फ्री है और ये वाटर डैमेज की निशानदेही कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये डैमेज भी टेम्प्रेरी था। एक बार एयरफोन्स कनेक्ट करके देखा कि क्या वो चल रहे हैं। एयरफोन्स तो ठीक चल रहे थे, लेकिन जैसे ही डिस्कनेक्ट किया ऑडियो जैक जो मेलफंक्शन हुआ था वो भी ठीक हो गया। मतलब ये कि इस फ़ोन को और ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मेगा ड्रॉप टेस्ट से पहले एक और टेस्ट बाकी है। फ़ोन के साइज़ की बकेट ली और फ़ोन को हैंग करने के लिए तैयार किया। पानी भरा, फ्रीज़र में जगह बनाई और सारी रात ठंड में मरने के लिए रख दिया। और अगली सुबह, तो क्या लगता है आपको, ये भी सरवाइव कर सकेगा? आप खुद देखिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। तो इस टेस्ट के बाद इसका डेड होना डिसाइडेड था। लेकिन ये टेस्ट मैंने इसलिए पहले किया क्योंकि एक लास्ट ड्रॉप टेस्ट अभी बाकी है, जिसमें मेरे ख्याल से ये फ़ोन फिजिकली भी नहीं बचेगा। तो चलें एक और ड्रॉप टेस्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन इस बार इसे ज़्यादा ऊंचाई से गिरना होगा। 3, 2, 1। फाइनली ये इसका आखिरी टेस्ट साबित हुआ। स्क्रीन पूरी तरह शैटर हो गई और इंटरनल मेटल फ्रेम भी बेंड हो गया। सच पूछें तो 20,000 रुपये में मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये इस एक्सट्रीम टेस्ट राउंड तक पहुंच पाएगा। इम्प्रेसिव। वैसे भी ये एक्सट्रीम टेस्ट रियल लाइफ के मुताबिक नहीं थे।
खैर अब इस फ़ोन का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर ये वीडियो ज़्यादा पसंद की गई तो हम ऐसी वीडियोस मज़ीद बनाएंगे। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।